कैसे हैं आप सब लोग। और हम पी रहे हैं चाय इस वक्त। मैं हस्बैंड के में पी रही हूँ और हमारा रजत रजत दिखाइयो वाइफ के में पी रहा है। ये पीते नहीं है तो पैसे क्यों वेस्ट करूं। मेरा लड़का ही पी लेगा है? ये तो बस पैसे वेस्ट करते रहते कितने अच्छे से। मेरी है ना थोड़ा, तुम पीते हो ड्रम भर के, मैं कुछ ज्यादा ही। मतलब देखो मैंने कितने अच्छे से मैंने वीडियो बनाई थी, तब मैंने दिखाया था मैंने, देखो कितने अच्छे से। तो आधुनिक तो दूर आ जाओ यार, तीन चार तो बंद आ जाएगा। आधुनिक तो तुम जगह कमाओ। नहीं अब बता तो अच्छी है ना, भरपेट चाय पियो चबू ही ना। जरूर शेयर बन जाए। तो चाय पी रहे हो, शाम का टाइम हो रहा है और मैंने बोला चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे तो मेरी तबीयत खराब हो रही है थोड़ी सी, सो गई तो इसीलिए। वैसे तो मतलब कुछ कुछ काम करवा देते, अब भाभी आ गई ना तो भाभी के सामने मतलब आंखें दिखा देते हैं कि भाभी के सामने काम की है। पहले मतलब जैसे मदद करा देते हैं, अभी भाभी आ गई तो कौन सी मदद नहीं कराई होती है। तब भी मतलब आज दोपहर में कुछ बोले, वैसे तो अकेले में तो करा रहा थोड़ी बहुत और अपने परिवार के सामने नहीं है। क्या क्या नहीं किया बता सकते। तब भी दोपहर में बताओ तब तो मालूम। दोपहर में मैंने सब्जी गरम नहीं की तो पता है कैसे आंखें दिखा रहे थे अपनी भाभी के सामने। अरे देखो दीदी ने ये वाली साड़ी पहनी। आज दीदी जा रही थी, मैंने जाने नहीं दिया पंजाबी। भाई साहब बहुत डांटेंगे, बहुत डांट पड़ेगी क्योंकि बहुत गाँव में नुकसान हो गया, भैंसों को ठंड लग रही है और सारा कुछ दीदी देखेगी जाके। सब कुछ दीदी पे जिम्मेदारी थोपे रही है तो मैंने आज रोक दिया। जिम्मेदार इंसान पे जिम्मेदारी रहती है, तब भी बहुत सारा काम होगा। तो बस मैंने बोला चली जाएगी दीदी, फिर वीडियो नहीं बन पाएगा तो आज मैंने दीदी के साथ वीडियो बना। दीदी को ठंड लग रही, मैंने बोला दीदी नहा लो, नहा लिए दीदी की सर्दी नहीं निकल रही है। दीदी कम्बल तो ओढ़ रखा है, कम्बल तो ओढ़ रखा। हाँ और नहीं स्कूल गए थे ना तो मतलब मट्टी उड़ रही थी हवा। सर्दियों में तो वैसे ही पता आपको धूल वगैरह ये सब बहुत उड़ती है और अभी मौसम ऐसे ही हो रहा है, हॉट पैर सब फटेगी। सोना देखो ये मोबाइल, ये देखो मोबाइल दे लो। लो मोबाइल नहीं देना सोहेल से भी। लो हम लोग मोबाइल बहुत कम देते हैं, अभी रजत ये आ गए तो इनके फोन ले लिए, नहीं तो मेरे पास तो एक ही फोन है, हम देते ही नहीं है फोन। और ज्यादा फोन देना भी सही नहीं रहता है, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। चलो आप भी आ जाओ चाय पी लो और जा रहे हैं अब खाना पीना बनाएंगे। घर से आइए, वो अभी रहेगा। हमने एक वीडियो बनाया था वो देखो वो रख दिया और अब ब्लैक साड़ी पहनी है, देखो उसमें कितना अच्छे से एकदम नेचुरल आ रहा है ना। वो लब धूप में इधर थोड़ा सा लाइट की दिक्कत है ना, अभी मैं उधर ले जाकर दिखा कितना वो चमक रहा है। मतलब ब्लस वगैरह कहते हैं क्या कहते हैं, इधर आ दीदी इधर दिखाओ। ओहो देखो कितना अच्छे से आ रहा है ना, देखो सारे। अभी हमने वीडियो बनाई थी और अभी देखो एकदम नेचुरल लुक है ना। इसमें थोड़ा सा मतलब ज़्यादा क्योंकि लाइट रिंग लाइट जला के दिखाया था ना तो वाइट वाइट दिख रहा था, इसमें एकदम वैसे ही दिख रहा है। अब साड़ी बांधा है, मैंने बोला कर ली, आंखें बंद करो एकदम से सारा कुछ हाइलाइटर वगैरह सब कुछ है। मैंने दिखाती हूँ, हर टीवी की आवाज़ आ रही तो बहुत वो हो रहा है। चलिए तो मैंने बोला आप लोगों को दिखाओ, देखिए कैसा फैला हुआ है। अभी एक वीडियो को लाइव किया है, ओह लाइव किया क्या बोल जाती हूँ, एक वीडियो बनाई है मैंने, मेकअप की बनाया था। पता नहीं इसके बाद जाएगा पहले जाएगा कोई पता नहीं है, जाएगा भी नहीं जाएगा अभी अभी कोई नहीं पता क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा है। ये है नहीं उसमें ये दोनों लगे हुए हैं, दीदी की साड़ी बांधनी, दीदी को साड़ी बांधनी नहीं आती है। चाय बनाऊँगी, चाय बना के पीऊँगी फिर उसके बाद में। देखो पूरे घर में ये पत्ते ही पत्ते पड़े हैं, एक एक पत्ते के लिए कर रही थी, बहुत अच्छी खुशबू लगती है। देखो एक वीडियो के लिए बहुत माथा पच्ची हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो आज बनाने जा रहे हैं पकौड़ी वो कड़ी, क्योंकि ना गांव में दीदी बोलती है ऐसी नहीं बनाते जैसे हम लोग यहाँ पे प्याज लहसुन टमाटर बढ़िया से बनाते हैं ना। गांव में मतलब इस तरीके सादा सिंपल से बनाते हैं, देखिए दूसरे के हाथ से कुछ अच्छा लगता है, चाहे हम कड़ी कचौड़ी पूड़ी हमारे यहाँ कहते हैं मतलब ये चीज़ें दूसरे के हाथ से अच्छी लगती है। तो दीदी ने खुद कहा कि प्रीति कड़ी बना के खिलाओ तुम्हारे हाथ की कि अच्छी लगती है। तो मैंने फटाक से दो थैली लस्सी की मंगाई, यहाँ पर बेसन घोलने के लिए रख दिया है। पकौड़ी को पहले से खूब अच्छे से बेसन को फेंट लिया था क्योंकि बेसन को जब हम अच्छे से फेंटते हैं ना तो पकौड़ी बहुत अच्छी अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट सी निकल के आती है। यहाँ पे मैं बेसन का वो कर दे रही हूँ, भिगो दे रही हूँ, बेसन ले लिया, दोनों लस्सी खोल दूँगी, इसी में पकौड़ी का बेसन घोला था मैंने।
और मसाले डाल दी, हींग डाल दी, हल्दी डाल दी, मिर्ची डाल दी, ये सब जब तक भीगेगा तब तक मैं प्याज या जो भी डालना है वो मैं तैयार करके रख दूँगी। वैसे भी कढ़ी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसमें अच्छे से तड़का लगता है। तो यहाँ पे हींग डाल दी है, बिना हींग के जिसमें मैंने पकौड़ी बनाई थी उसी में मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर ये मेथी, हमारे यहाँ मेथी कढ़ी में ना मेथी से ही तड़का देते हैं, सबके अलग अलग शायद वो होता है। हमारे यहाँ जीरा नहीं डालते, मेथी डालते हैं। यहाँ पे ये लहसुन का पेस्ट, और सर्दियों में तो कढ़ी बहुत, और मेरे हस्बैंड मतलब मेरे ससुराल में ज़्यादा सबको बहुत पसंद आती, मेरे हाथ की बहुत ज़्यादा कढ़ी पसंद आती है। गांव में मैंने एक बार बना के दीदी को खिलाई थी तो वही पच। हाँ एक चीज़ मिस रह गई के चावल नहीं बनाए क्योंकि मेरे बहुत तेज़ वो था, तो चावल वगैरह नहीं बनाए हैं और सूखी मिर्ची। तो कढ़ी चावल आपको पता कितने अच्छे लगते हैं, पर चावल रह गए, पर कोई नहीं। यहाँ पे डाल दिए कढ़ी पत्ते, अब इतनी मेहनत से कढ़ी पत्ते लाएँ तो उसे कैसे जाने दें। यहाँ पे कढ़ी का बैटर तैयार हो गया है, सारा ग्रेवी ये देखिए इसमें डाल दिया है। जितनी हमें पतली करनी है उतनी पतली कर सकते, जितनी गाढ़ी करनी है उतनी गाढ़ी कर सकते, ये हमारे ऊपर है हम कितनी कैसी खाते, गाढ़ी खाते या पतली खाते हैं। इसमें अभी बहुत अभी पानी पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, गाढ़ी नहीं मतलब मीडियम चाहिए। मैं लास्ट में दिखा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। कढ़ी एक कढ़ी एक साग जितना बनाओ, जितना टाइम में बनता है धीमी धीमी आँच पे उतना ही स्वाद निखरता है। और कढ़ी और साग दोनों बासे खाओ ना, जितने रखा हुआ उतने ही स्वाद देते हैं। आप लोग ये नोटिस करिएगा, कढ़ी सुबह कल बनाइए ना तो दूसरे दिन खाइए और भी स्वाद। कढ़ी और साग बासा बहुत अच्छा लगा, हमारे यहाँ बासा खाना बोलते, बहुत स्वाद देता है और जितना पका उतना कम। तो यहाँ पर कढ़ी में पानी दे दिया है, इसको पकने देंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। और काफ़ी टाइम पकने के बाद देखिए अब कढ़ी हमारी जो है जो खदकने लग गई है, और अभी इसमें टाइम लगेगा। मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी, और देखिए कितना सारा पानी दिया था ना, गाढ़ी हो गई ना, और देखिए पकौड़ी कितनी सॉफ्ट है, टूट गई ना। मेरी दीदी सबकी ना टाइट पकौड़ी रह जाती, तो मैंने उनको बताया मैं ऐसे बनाती हूँ। देखिए ज़रूरी नहीं सब किसी को हर कुछ आता, कुछ चीज़ें मैं सीखती हूँ दीदी से, कुछ वो मुझसे सीखती हैं। ज़रूरी थोड़ा सब कुछ बड़े को आता है, ज़रूरी नहीं सब कुछ छोटे को आता है, सब चीज़ अलग अलग होती है। तो देखिए कढ़ी का वो बहुत खुशबू हो गई थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उनको बताना चाहती हूँ कि उनको कुछ नहीं आता, या फिर वो बताना चाहती मुझे कुछ नहीं आता। परिवार है, एक दूसरे से ही सब कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर कढ़ी बन गई थी, ये कढ़ी के पत्ते ये दीदी गाँव लेके जाएंगी। यहाँ पे मैंने बोला, दीदी बोल रही थी लापरी थी मैं रोटी बना दूँ, मैंने बोला नहीं दीदी आप रोटी देते जाना, मैं बनाती जाऊँगी और आप भी खाते जाना। तो क्योंकि दूसरे की हाथ की गरम गरम रोटी खाने का मज़ा ही अलग है। तो यहाँ पे दीदी को मैंने कढ़ी निकाल के दे दी, बर्तन निकाल के दे दिए हैं, और वैसे भी मतलब मेरे हस्बैंड बोलते प्रीति दीदी आई हैं। वैसे भी मैं भी नहीं काम कुछ भी कराती हूँ, आप लोगों ने वीडियो में नोटिस किया, ज़्यादा ही दीदी कसम वगैरह खिला दे तभी वेसक कटने लग जाती, नहीं तो मैं ही सारा करती हूँ। पर मेरे हस्बैंड डांट देते हैं कि प्रीति कुछ भी दीदी से मत कराना, गाँव में बहुत सारा काम होता है तो जितना हो सके तू ही करना, दीदी को आराम करने देना। मैंने बोला बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं नहीं कराने वाली क्योंकि मुझे तो आदत है, जैसे दीदी को भांग की आदत है वैसे ही हमें यहाँ की आदत है। तो ये देखिए इनको देती, और आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी यहाँ पे क्यों आई हैं, तो मैंने बताया दीदी यहाँ पे शादी में आई थी और पहली बार आई हैं रजत के साथ, पहले कभी नहीं आई और अकेली आ भी नहीं पाती, तो ये शादी में आई थी। मैं नहीं जा पाई थी शादी में, पर दीदी यहाँ पास में ही शादी थी, पास में नहीं मतलब दूर थी, मतलब दिल्ली में ही थी, तो वहाँ पर आई थी। कल दीदी चली जाएंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पता ही गांव में भैंस वगैरह सब हैं तो बहुत दिक्कत हो रही है, तो कल दीदी चली जाएँ। आज ही जा रही थी पर आज मैंने उनको रोक लिया, मैंने रोज़ रोज़ कौन आ पाता है, आज मत जाओ दीदी कल जाना, तैयार हो गई थी साड़ी आड़ी पहन के। यहाँ पे मैंने कॉफ़ी बनाई थी, हम लोग बात कर रहे थे, दीदी एक दो बर्तन धोने लगी थी, बोल रही थी रहने दो प्रीति रहने दो मैं कर लूँ, मैं फिर दीदी मानी नहीं तो करने लग गई है। यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था करने में, तो बस वही था। और आप लोग बोल रहे थे कि गांव चले जाओ दीदी के साथ, सब चीज़ सबके कमेंट आपने देखा है, किसी का ही रहता होगा रिप्लाई के लिए, जो भी हमें शो नहीं करता क्योंकि यूट्यूब के नए नए अपडेट होते हैं रोज़, तो इसीलिए। तो अभी तो हम गांव नहीं जा रहे और हम इतनी जल्दी गांव जा भी नहीं पाते, बच्चों की पढ़ाई वगैरह होती है
तो इतनी जल्दी नहीं जा पाते, पर टाइम में जाते हैं तो जाएंगे, अभी टाइम नहीं है। देखिए हमारा, हम सब कुछ यहाँ करते हैं तो फिर यहाँ है दीदी का, वहाँ पर है तो दीदी यहाँ नहीं आ पाती हैं, तो सब समय के अनुसार होता है। बच्चे देखिए पढ़ाई करते हैं तो इतनी जल्दी से नहीं हो पाता है कुछ भी, पर कोई नहीं, जल्दी जाएंगे, टाइम में जाते हैं। पहले भी आप शुरू से मेरी वीडियो देख लीजिए, रोज़ रोज़ नहीं भाग पाते हैं, पर देखते हैं कब जाते जाएंगे तो आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करेंगे। तो यहाँ पे रात हो गई है, लाइट ऑफ कर देते हैं और खाना खाते हैं। एंड करने का टाइम आ गया। मैंने बोला कल वीडियो कोई लाइव नहीं हुई थी तो आज क्या बोल देती हूँ मैं, और कोई हड़बड़ी में नहीं बना, शांति से बनाती, पर दिमाग में से निकल जाती, भूल जाती क्या करूँ, कल वीडियो एंड नहीं हुई थी तो मैं आज कर रही। और आपने कुछ नोटिस किया? किया मैंने, अपने वो उतार दिए हैं। आप लोग हर वीडियो में हर कमेंट करते हो ये चेंज कर लीजिए, फाइनली मैंने ये चेंज कर लिए। और ये ऐसे है ना, हर किसी पे मैच करते हैं क्योंकि इनका गोल्डन कलर है तो ये हर किसी पे मैच करते हैं। और ये झुमकी टाइप के हैं, और ये एक ही नहीं मंगाया है मैंने, और भी मंगाए, दिखाती इस तरह की पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुए हैं। और ये देखिए हर कलर है इसमें, मुझे कैप्चर नहीं हो रहा अच्छे से, हर कलर इसमें है। और ये एक जोड़ी तो मैंने पहन रखे हैं, एक जोड़ी हैं जो दीदी को दे दिए हैं, दीदी की साड़ी से मैच कर रहे थे तो एक उनको दे दिए। और ये दो जोड़ी हैं, एक वाइट कलर का, एक ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का, और एक ये गोल्डन कलर का ही है ये, तो ये बचे इसमें इसकी वो है। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं, और ना साइज़ बड़ा है ना छोटा है, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ तो ये दो दिन से पहने हुई हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। वैसे मैं, आप लोगों ने देखा है, मैं नहीं पहनती जल्दी से, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसके नीचे नग लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे ड्रेस पे जाने वाले, मेरे चेहरे पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं क्योंकि दीदी ने सबने नोटिस भी किया। तो ये है मेरा, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगती। वो वाली दिखाना मुझे, वो देना ये साड़ी दे दो साड़ी। और ये वाली, आप साड़ी पूछ रहे थे कि ये साड़ी आपने कहाँ से ली, ये राजस्थान की अभी साड़ी चल रही है कुछ, तो ये दिखा देती हूँ। मैंने ये एक में दिखाया, वो रिटर्न कर दी, छोटी थी तो इस तरह की। इसका ब्लाउज सिलाने के लिए आज जा रही हूँ तो मैंने बोला पहले आपको दिखा दूँ, आप लोग बहुत सारे, इसमें दो कलर है, एक ग्रीन है एक रेड है, ये देखिए इस तरीके से साइड से पिक लगा दूंगी अगर ध्यान रहा तो। और इस, ये शाइनिंग वाली साड़ी है, ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये अभी कुछ शादी वगैरह आई हुई है तो उसके लिए जाने के लिए मैंने ये ली है, पर थोड़ा सा वो रह गया, 800 रुपये के लिए। आप लोग पूछते हो ना पैसे कितने के लिए, तो ये 800 रुपये के लिए काफ़ी ज़्यादा साड़ी चल रही है। ये देखिए अच्छी लग रही है ना, दो कलर है। और इसका ब्लाउज इसका सेम इस कलर का है, अभी मैंने इसमें से निकाला नहीं है, ब्लाउज मैं निकालूंगी सिलाने जाऊंगी तब मैं आपको दिखा दूंगी। बिल्कुल भी अभी आपके सामने ही मैंने पैकिंग में से खोला है इसको, ये देखिए। तो एक ये है, वो देना बाबू। और ये सोना के लिए एक मंगाया है, अब इसमें ये डर लग रहा है कहीं इसमें रुएं ना निकल जाए, रुएं ना आ जाए तो बेकार है, अगर रुएं नहीं आए तो बहुत अच्छा है। ये देखिए सोना के लिए मंगाया है क्योंकि सर्दी आ गई, वो भी देना बाबू, बस थोड़ा सा टेंशन है। और वंशिका के पास देखिए, मैं तो कैसी भी रह सकती हूँ, बच्चे बहुत वो है। वंशिका के लिए ये जीन्स मंगाया है इस तरह की, क्योंकि बटन वटन लगाने दिक्कत, जीन्स है जो गर्मी में पहन सकते सर्दी में, और वंशिका की पसंद का ये फटा हुआ वाला है। फटा हुआ नहीं है, इसके अंदर फिर से है, डिजाइन है, पापा को भी बोल रही थी अपने को, तो ये इस तरीके के हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे। आप मतलब मेरे साइज का भी इस पर ये इस तरीके की डिज़ाइन है, ये देखिए आप खुद, मेरे साइज का भी आता है, बच्चों के साइज का भी, वंशिका के साइज का तो मैंने लिया है। तो ये दो तीन प्रोडक्ट मंगाए थे, मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, बच्चे अच्छे से रहने चाहिए, हमारा तो हो गया, सोना नहीं करो ये। तो इन सब का लिंक है जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अमेजोन से रिसीव हुए हैं तो फिर। और ये इस ब्रांड के, ब्रांड है या नहीं है मुझे नहीं पता, ये देखिए ये बच्चों का ही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, अगर इनमें से कुछ आप लेना चाहें तो, नहीं लेना चाहें तो कोई बात नहीं, अमेजोन पे वैसे प्रोडक्ट बहुत अच्छे आते हैं, इनको तय करके रख देती हूँ। वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाय।